आप ये देख रहे हैं ये सब क्या है सामान? पता है ये दिवाली की सफाई चल रही है ना, तो मैंने ये पेन देखे और पता मैंने इतना सारा कलेक्शन कर लिया यूज पेन्स का। अगर मैं चाहता तो इनको फेंक देता, पर पता नहीं क्यों मैंने इनको क्यों रख लिया। फिर मैंने सोचा कि इनसे क्या बन सकता है, जिससे अगर इनको मैं फेंकू तो ये खराब होंगे, वरना मैं अगर यूज करूँ तो अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं एक पेन से पेन होल्डर। ठीक है, समझ में आया ना, पेन से बनेगा पेन होल्डर। तो चलिए बनाते हैं। तो पेन होल्डर बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारा सामान जो मेरी टेबल पे आप सभी लोग देख सकते हो। फर्स्ट है एक हॉट ग्लू गन, सेकंड है ये फेविक्विक, और जिस चीज से हम लोग इसको कलर करेंगे वो है हम लोग इसको कलर करेंगे स्प्रे पेंट से, और यह कुछ मिक्स टाइप के पेंट्स, जैसे ये जो है ये एक अलग टाइप के पेंट्स है, ये सारे ब्लू कलर के पेंट्स है, ये जो है सारे कलर्ड पेंट्स है, और ये थोड़े मिक्स टाइप के, तो देखूंगा अगर ये मेरे काम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने इधर लिए हैं ये ब्लू वाले पेन। तो पहला जो दो स्टेप्स हैं वो है कि हमें इनकी रिफिल्स निकालनी है और इन कैप को अलग करना है। तो वैसे तो मैंने पहले ही कुछ जैसे पेन जो खराब होते थे उनकी रिफिल फेंक दी थी, पर अगर मुझे लगता है कि किसी की रिफिल बची हुई है तो मैं बेस भी बनाना था। इधर मैंने लिया इसका स्क्वायर कलर, स्क्वायर शेप का बेस। अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए ये मेरे पेन है ना, अब हम लोग इनको इस तरीके से स्टिक करेंगे कि हम लोग इनका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आइए। जैसे मैंने ये लगाए दो पेन, उसके बाद यहाँ पे ये दो पेन लगाए मैंने, उसके बाद यहाँ पे दो पेन लगाए मैंने, उसके बाद यहाँ पे दो पेन लगाए मैंने ऐसे करके। अगर आपकी चॉइस है, अगर आप पैसे बनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के बनाएंगे और अगर पैटर्न अच्छा बन गया तो उसका जो फाइनल लुक जो आएगा हमारे पेन होल्डर का वो भी थोड़ा अच्छा आएगा, वरना आपकी मर्जी आप कैसे लेना चाहें। और हाँ एक और चीज, आप फेविक्विक को यूज ना करें अकेले, आप बड़ों के सामने यूज करें क्योंकि थोड़ी सी डेंजरस होती है, इसलिए मैं अभी हॉट ग्लू गन को यूज कर रहा हूँ। तो चलिए जैसा मैंने आपको पैटर्न बताया हम लोग इसी पैटर्न से इसको ऊपर तक ले जाएंगे सबको यूज करके। तो चलिए स्टिक करते हैं। तो देखिए मैंने इसको इतना स्टिक कर लिया, अब मैं बाकी को स्टिक करूंगा। इसको ऊपर कर रहा हूं मैं, अब इसको पूरा ऊपर तक कर लूंगा रेडी। ठंडी हो जाती है, अब इतने ही पेन बचे हैं मेरे पास थोड़े से, तो इनको भी मैं लगा देता हूँ। तो ये बन गया हमारे ऐसे ब्लू वाले का हमारा पेन होल्डर है ना, अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा एक तो ये, और अच्छा स्टेबल बनाई है। अब हम इसको कलर करेंगे स्प्रे पेंट से, पर पहले मैं आपको कलर वाला भी बताऊंगा कि उसको कैसे बनाना है। तो चलिए अब बनाते हैं कलर पेन होल्डर। मैं पहले इस वाले को बना दूं फिर मैं, क्योंकि इसको तो कलर करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनेगा। तो मैं सबसे पहले इन सबकी कैप्स निकाल लूंगा मैं। तो देखिए मैंने एक लेयर तो बना ली है इसकी, और अब मैं इसको पूरा ऊपर तक ले जाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास काफी पेंस बचे हैं,
और एक बच्ची बात है कि इसके अंदर कि मुझे इसको कलर नहीं करना पड़ेगा और ये बहुत मल्टी कलर टाइप का बनेगा, तो वो मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी। तो चलिए बाकी का बना लेते हैं इसको पूरा। देखिए हो गया है हमारा ये वाला पेन होल्डर भी रेडी। अब मैं जाऊंगा स्प्रे पेंट को लेने। और पता आपको एक और चीज बताऊं, मैं इसके बेस को ना कलर करना भूल गया, तो मैं देखता हूँ मुझे कैसे कलर करना है, या मैं इसको ऐसे ही रखूंगा क्योंकि अच्छा सा लग रहा है वो भी। और हाँ पता है मैं ना आप सभी के रोज कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मुझे ना ऋषिमा जी का एक कमेंट आया था, एडवाइस दी थी उन्होंने मुझे बहुत अच्छी। तो ओके ऋषिमा, इधर मैंने इसको कोट कर दिया अच्छी तरीके से। तो देखिए इधर रेडी हो गए हमारे दोनों पेन होल्डर। ये जो गोल्डन वाला जो देख रहे हैं ना, इसके ऊपर मैंने कम से कम 2 से 3 कोट किए हैं, क्योंकि हल्का सा ना पेन को नीचे से ऊपर से चारों तरफ से कोट किया है। और हाँ एक और चीज बतानी है, आप इसको ना बीच में पार्टीशन भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसको आप अलग अलग तरीके से यूज ले सकते हो, जैसे यूटेंसिल्स रखने के लिए जो भी होते हैं हमारे स्पून फोक नाइफ, या फिर आप इसको एक फ्लावर वास की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे रखें वो भी अच्छा। आप इसके अंदर अपना सारा स्टेशनरी का सामान रख लें, जैसे स्केल पेंसिल आपका इरेजर, आपको जो भी स्टेशनरी में चाहिए होता अपने रोज के काम में। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और बताना कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा ये। सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज